अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 16 है हमारा, एमएस एक्सेस का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। हमारा जो मॉड्यूल है एमएस एक्सेस, इसके हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अपने टैब्स, रिबंस और ग्रुप्स को, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, सॉरी ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं। यहाँ से हमने ब्लैंक डेटाबेस लिया और इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइल का एक टैब मिलेगा, फाइल के टैब को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। होम में जाते तो होम में आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है व्यू का, व्यू में देखें तो एक डाटा शीट व्यू है और दूसरा है डिजाइन व्यू। इनको हम डिस्कस करेंगे कि दोनों आपस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट का। पेस्ट वही है जो हमने एमएस एक्सेल और वर्ड में पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर कट कॉपी और फॉर्मेट नंबर आपको डिसेबल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई चीज मेंशन नहीं की, कोई चीज टाइप नहीं की हुई। फिर उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। फिल्टर का ऑप्शन भी आपके पास डिसेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा नहीं है। जब तक डाटा नहीं होगा, ये जितने भी आपको डिसेबल ऑप्शन दिखाई दे रही है तब तक इनेबल नहीं होंगे, जब तक आपके पास यहाँ पर डाटा नहीं होगा। ओके, तो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि अब ये हमारे पास आ रहा है एडवांस का। एडवांस के ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर फिल्टर बाय फॉर्म आ रहा है, ठीक है, और फिल्टर अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद रिफ्रेश ऑल करें, रिफ्रेश ऑल करेंगे तो यानी कि जो आपका डाटा है, जो डेटाबेस है, वो आपकी रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप जाके इसको सेव भी कर सकते हो, या पर टोटल से यानी कि जैसे आप एवरेज वगैरह लगाते हो तो यहाँ पर आपका टोटल होकर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग चेक ग्रामर है ये हमारे पास। उसके बाद यहाँ मोर पे जाएंगे तो मोर पे वही होता है ऑटो एडजस्ट हाइट वगैरह, जो आपकी ऑटो हाइट यानी कि एडजस्ट हो जाती है। जैसे हमने एक्सेल में पढ़ा था फॉर्मेट के ऑप्शन में कि आपकी अगर किसी भी सेल के अंदर कोई लॉन्ग टर्म आपका टेक्स्ट है तो उसको आप लोग अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो फॉर्मेट में जाकर आप एडजस्ट करते हो। उसके अलावा यहाँ पर ये ग्रुप आ गया आपके पास फाइंड का। फाइंड के ग्रुप में देखें तो वही चीज़ है जो हमने एक्सेल और वर्ड में डिस्कस किया। यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मेट का ऑप्शन देखें तो एक्सेल और वर्ड में आपको इस तरह दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, ये आपके पास टेक्स्ट का ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रंट का ग्रुप है और यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शन दिए गए आपको मर्ज करके, ठीक है। ये आपके पास नंबर एंड बुलेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास अल्टरनेट रो कलर है, यानी कि अगर रो को आप कलर देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। जिस तरह का भी कलर आपको पसंद हो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मजीद देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट टैब है क्रिएट का। क्रिएट वाले टैब में हमारे पास क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर टेबल होता है। अच्छा, एमएस एक्सेस की खास चीज़ ये होती है कि आपके पास चार किस्म के टैब होते हैं एमएस एक्सेस में। चार तरह की जो आपके पास क्वेरी मतलब चीज़ें होती है जिसको आप डिस्कस करते हो, लाइक आप कह सकते हो कि एमएस एक्सेस चार तरह की टाइप्स को, कैटेगरीज को अरेंज करता है, यानी चार टाइप की कैटेगरीज पर वर्क करता है। कौन कौन सी हैं? वो टेबल है, क्वेरीज है, फॉर्म है और रिपोर्ट्स है। तो ये चार ग्रुप्स हैं जिनको एमएस एक्सेस जो है वो लेकर चलता है, जिस पर बेसिकली एमएस एक्सेस को बनाया गया है। टेबल्स, क्योंकि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है, टेबल्स में भी होता है, क्वेरीज में भी होता है, फॉर्म में होता है, रिपोर्ट में होता है, ठीक है। टेबल क्या होता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। क्वेरीज की अगर बात की जाए तो क्वेरीज क्या होती हैं? अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे फोन नंबर्स होते हैं, सेल फोन नंबर्स होते हैं, आपके पास डाटा होता है मोबाइल नंबर का। अगर आप कॉल सेंटर में वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपके पास ना बहुत सारे कस्टमर्स का डाटा होता है, उसको हम क्वेरीज कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स के फोन नंबर्स की बात की जाए। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म बेसिकली वही होता है जिसमें आप फॉर्म फिल करते हो, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर कोई अभी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं तो उसको हम फॉर्म कहते हैं। रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स बेसिकली आपके पास रिपोर्ट्स इस तरह से कह लें कि अगर कोई रिजल्ट है तो रिजल्ट भी आपके पास रिपोर्ट में आता है, टेबल में भी आता है, क्वेरीज में भी आता है और उसके अलावा आपके पास फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपकी जो ये नेगेटिव बी पॉजिटिव ब्लड की ग्रुप की बात की जा रही है, वो रिपोर्ट नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आपकी रिपोर्ट की बात हो रही है वो रिपोर्ट जो कि आपकी, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो होगी। उसके अलावा डेली बेसिस पर जो आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट होती है, इस तरह की रिपोर्ट यहाँ पर डिस्कस होती है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि एम एस एक्सेस में चार तरह के ग्रुप होते हैं, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म और उसके अलावा हमारे पास लास्ट क्या होता है? रिपोर्ट, ठीक है। क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में आपको देखें सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। इसमें क्या चीज़ होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपके पास यहाँ पर टेबल का ग्रुप है, दूसरा क्वेरीज का है, थर्ड फॉर्म का है और फोर्थ रिपोर्ट्स का, ठीक है। ये जो चार ग्रुप बने हुए हैं ये आपको शो हो रहे हैं। टेबल का अलग है, क्वेरी का अलग है, फॉर्म का अलग है और रिपोर्ट का अलग है। ये हम डिस्कस करेंगे इनको स्टेप बाय स्टेप कल की वीडियो में, ठीक है। आज सिर्फ इनको हम बेसिक एक जो नॉलेज है वो ले लेते हैं कि बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है एक्सटर्नल डाटा का। एक्सटर्नल डाटा में आपके पास क्या चीज़ होती है? न्यू डाटा सोर्स पे जब आप क्लिक करते हो तो बेसिकली जैसे आप एक्सेल के अंदर कोई डाटा वहाँ पर इंपोर्ट करते थे ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, तो ये वही चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ से डाटा ले सकते हो, अपनी डाटा बेस से ले सकते हो, SVG फाइल से ले सकते हो या XML फाइल से ले सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है PDF इन XPS, PDF और XPS, ये आपने हमेशा याद रखना है कि एक्सेल की जो भी फाइल होती है उसका फॉर्मेट XPS होता है और वर्ड का जो हमारे पास फॉर्मेट होता है डॉक्स होता है, DOC, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेव होती है फाइल, इसको हमेशा हम डॉक्स ही कहते हैं, यानी कि जो एक्सेस की एक्सेस का डाटा सेव होता है इसको हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। एक्सेस की फॉर्मेट होती है डेटाबेस, एक्सेल की फॉर्मेट होती है XPS और इसके अलावा अगर वर्ड की बात की जाए तो वर्ड की जो आपके पास फॉर्मेट होती है वो हमारे पास क्या होती है? DOC, डॉक, ठीक हो गया। तो इसके अलावा देखें तो यहाँ पर सेव एक्सपोर्ट्स भी आ जाता है कि जो आपने एक्सपोर्ट्स सेव की होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप उनको ले भी सकते हो। अब यहाँ से बात आती है एक्सेल की, एक्सेल के अंदर अगर आप किसी भी डाटा के अंदर इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ब्राउज करके उसकी जो नेविगेशन होगी, उसकी जो लोकेशन होगी, वहाँ से सर्च करके उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है आप वहाँ से भी इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। PDF और XPS में भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आप PDF फॉर्म में करना चाह रहे हो तो मैं आपको इसका एक ट्रायल बता देती हूँ। अगर मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ओके, इसका मैं PDF बना के इसको पब्लिश कर देती हूँ, देखिए मेरे पास जो PDF होगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये मैंने अपने जो है वो डेस्कटॉप पे इसको एक्सपोर्ट किया है, यानी कि सेव किया, तो ये देखिए आपको टेबल 1 के नाम से शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके मतलब एक्सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइल अगर आपने बनाई है वो किसी भी फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हो, चाहे तो वो XPS है, चाहे तो वो आपका जो है PDF है, या फिर वो आपका एक्सेल है, एक्सेल की फॉर्म, सॉरी वो वर्ड की फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक्सेस की बात करते हो, एक्सेस की बात करने का मकसद ये है कि अगर आप अपना डाटा एक्सेस के किसी भी डॉक्यूमेंट में सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप ब्रोज करेंगे सिंपली, ठीक है। यानी कि एक्सेस की जो फॉर्मेट मैंने आपको बताई है डेटाबेस की, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ ब्रोज को और यहाँ से इसको मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेती हूँ, सेव करूँगी,
यहाँ से ये मेरा जो है इसको मैं एक नाम दे देती हूँ। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा फोल्डर एक्सेस का फोल्डर मौजूद नहीं जिसमें आप सेव कर पाओ, तो पहले आपको एक्सेस का वहाँ फोल्डर बनाना पड़ेगा। अब वर्ड मर्ज है, एम एस वर्ड की बात करें कि एम एस वर्ड के साथ आप अपने डेटा को मर्ज कर सकते हो, ठीक है। और मोर में जाएं तो मोर में आपको डिटेल दिखा दी जाएगी। एक्सपोर्ट या वर्ड का देखें तो एक्सपोर्ट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू रिच टेक्स्ट, यानी कि अगर आप चाहें तो अपने वर्ड की फॉर्म में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डाटा बाइस में ही रहे, आपका यहाँ पर जो भी मतलब बनेगा ना डाटा वो आप उसको वर्ड की फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से वर्ड पे क्लिक करके सिंपली उसको सेलेक्ट करके आप ओके करोगे तो जब आप उसे ओपन करोगे तो वो वर्ड के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। बाकी ये शेयर का ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, यानी कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। थर्डली आपके पास है डाटा बेस टूल, डाटा बेस टूल हेल्प और टेबल फील्ड को हम कल डिस्कस करेंगे, आज तक कितना ही था। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आती है तो काइंडली पूछ लिया करें, पूछने में तो आपका कुछ नहीं जाता, पूछने से आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।